This session topic is that how to prepare art and culture and how to prepare sorry economics as well as art and culture, as you are taking the art and culture classes as well. So I had included the session topic as how to prepare economics, along with that how to prepare art and culture for civil service exam. So the session will be bilingual. Okay, no issue. जी मैम जी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी वेलकम ऑन दिस ह्यूज प्लेटफॉर्म ऑफ आप आईएएस एंड माय सेल्फ आयुष जोशी एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल्स एज वेल एज आई एम अ ट्यूटर इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस एंड इवन आफ्टर दैट आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड द प्रिपरेशन फॉर अदर फर्दर एग्जामिनेशंस बट एज ऑफ नाउ अभी आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए डिस्कस करने के लिए. और जैसा कि मुझे पीयूष जी ने बताया कि आप सभी का एक मेजर क्वेरी जो रहेगा या एक बहुत बड़ा सेक्शन कवर करता है इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स एक ऐसा सेक्शन है, दोनों ही सेक्शन जो मुझे मिले हैं, इकोनॉमिक्स ले लीजिए चाहे आर्ट एंड कल्चर ले लीजिए, दोनों ही सेक्शन ऐसे सेक्शन है जो यूजुअली किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ओके, एंड दोनों ही सेक्शन ऐसे हैं, जैसे एक आर्ट एंड कल्चर की बात करूं तो जनरली बच्चे छोड़ दिया करते हैं कि क्या करेंगे करके, और दूसरी जो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो बच्चों को समझ में ही नहीं आता, एस्पिरेंट समझ ही नहीं पाते उन सब्जेक्ट्स को. तो दोनों ही सेक्शन जो कि मेरा जिन पे कमांड है वो दोनों सेक्शन आज मैं आपसे जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ. देखिए वैसे तो आप ऑलरेडी बहुत सारे जो टॉपर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, उनसे बात कर चुके हैं, उनसे मिल चुके हैं और बहुत कुछ नॉलेज आपने उनसे गेन किया है. बट हेयर मुझे ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है आप लोगों से रूबरू होने का, आप लोगों से मिलने का, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी और स्पेशली आप आईएएस को जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इतने सारे एक्सपीरियंस से एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल पाऊँ, उनकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर पाऊँ. और जितना मुझे एक्सपीरियंस है उस बेसिस पर मैं बेस्ट ट्राई करूंगी कि मैं आप लोगों की सारी क्वेरीज को यहाँ पे सॉर्ट आउट कर पाऊँ. वैसे तो आप लोग ऑलरेडी बहुत सारे टॉपर्स से बहुत कुछ सीख चुके हैं, सुन चुके हैं एजुकेटर्स से, और इसके अलावा जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो बेसिकली कंसेप्ट जो है कैरी करेगा इकोनॉमिक्स का एज वेल एज आर्ट एंड कल्चर का. ओके, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, मैं सब आप सब सुन पा रहे हैं मुझे, सबको ऑडिबल और विजिबल हूँ मैं? जी जी मैम. चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में दीजिए आंसर, कोई अनम्यूट ना करे, चैट बॉक्स में दे सकते हैं. जी मैम जी. ओके ओके, थैंक यू सो मच. हाँ जी, तो अब आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो इकोनॉमिक्स. देखिए बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है, चाहे आप जीएस ले लीजिए, इकोनॉमिक्स, सिविल सर्विसेज, मेंस ले लीजिए, अदरवाइज आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, आप जितना वेटेज दूसरे सब्जेक्ट को दे रहे हैं आपको मैक्सिमम कवरेज या मैक्सिमम जो आपको वेटेज देना होगा वो इकोनॉमिक्स को देना होगा. क्योंकि आज की डेट में हम देख रहे हैं चाहे आप COVID-19 ले लीजिए या अदर जो भी एस्पेक्ट्स लेंगे तो उसके अंदर इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा फैक्टर कवर करता है. चाहे आप पीएम केयर्स फंड ले लीजिए, चाहे आप और भी जो भी स्टिमुलस पैकेज जो अनाउंस किए हैं अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैनेज करती है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कवर करती है इकोनॉमिकल एस्पेक्ट. तो अब हम ये बात जरूर कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो भी एग्जाम्स होंगे, चाहे सिविल्स के होंगे चाहे कोई और होंगे, मैक्सिमम कवरेज जो होगा वो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन का आपको देखने को मिलेगा. ओके, तो अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके कॉन्सेप्ट्स बेस्ड जो है सारा एस्पेक्ट कवर करता है. अगर आप कॉन्सेप्ट्स आपके इकोनॉमिक्स को लेकर क्लियर है तो आप आने वाले टाइम में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे. ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सिविल सर्विसेज की, तो सिविल सर्विसेज में तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन जो है कवर करता है इकोनॉमिक्स एज वेल एज आर्ट एंड कल्चर. देखिए आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा सेक्शन है जिसको जनरली बच्चे ये कहकर छोड़ दिया करते हैं कि इस सेक्शन को तो जनरली कितना भी कवर करो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम नहीं कर पाते, इवन कोई भी क्वेश्चन हम कर ही नहीं पाते, ऐसा एक मेजर हमारा एस्पेक्ट होता है बड़ा सा एक हमने क्राइटेरिया. तो उन सारी चीजों को लेकर, उन सारे एस्पेक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें तो हम ये जरूर जानते हैं कि ये सारे टॉपिक्स जो है, चाहे आर्ट एंड कल्चर है, चाहे इकोनॉमिक्स है, चाहे पॉलिटी है, चाहे ज्योग्राफी है, हर तरीके से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. और स्पेशली सिविल्स की बात करूं तो आपको बेसिक से लगा के कंसेप्चुअल चीजों तक सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए. तो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत सिंपल सब्जेक्ट है. अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो आप आने वाले टाइम में इजीली अप्रोच कर सकते हैं. उसी के साथ में अगर मैं बात करूँ आर्ट एंड कल्चर की, तो आर्ट एंड कल्चर की सीरीज हम लोग ऑलरेडी आप आई आयुष अपने को अनम्यूट कर लीजिए थोड़ा. या नाउ यू आर सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? जी जी जी. ओके 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 ओके, तो मैं बात कर रही थी आर्ट एंड कल्चर की. आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है वो मेजरली कवर करता है उन सारे टॉपिक्स को जो कि आपके कहीं ना कहीं स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, डांस, म्यूजिक,
इन सारी चीजों को कवर करता है ना। इसके अलावा आप आईएएस पर ऑलरेडी हम लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं, हम लोग ऑडियो शेयर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आर्ट एंड कल्चर का जो है सारी सीरीज सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। साथ में पीयूष जी, मुझे लगता है आप पहले एक बार देख लीजिए, मुझे डिस्टर्बेंस सा लग रहा है थोड़ा बीच में, तो मैं उन लोगों को बाहर कर रहा हूँ जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। आई विल लेट देम आउट। अभी सेशन के बीच में आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि आप लोग जो है सेशन के बीच में कोई कुछ ना बोले। सेशन के बाद डाउट क्लियरिंग सेशन एक रहेगा, तो यू कैन आस्क योर डाउट देयर। ओके 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 सर। ओके सर। तो आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप प्लीज मुझे जो है कमेंट चैट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा, डेफिनेटली आंसर मिलेगा। तो बेसिकली हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स और आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर और इकोनॉमिक्स दोनों ही सेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि आर्ट एंड कल्चर कितना वेटेज कवर करता है। तो देखिए 14 to 16 मार्क्स जो है, आप मान के चलिए कि आपके प्रीलिम्स के अंदर और एज वेल एज मेंस के अंदर इतना पोर्शन जरूर कवर करता है आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन। जनरली हम ये कहकर छोड़ देते हैं और हम कई लोगों से सुनकर ये बात छोड़ देते हैं कि आर्ट एंड कल्चर तो ठीक है जितना भी करो कमी है, इसका टॉपिक्स कवर नहीं हो पाता, ये नहीं हो पाता। तो ये सारी चीजों को साइड में रख के अगर मैं सिविल्स की बात करूं, आईएएस की बात करूं, सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की, तो आपको आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन कवर करना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए वैसे तो आपको ऑलरेडी बहुत सारे टॉपर्स काफी कुछ इंस्ट्रक्शंस दे चुके हैं, काफी सारे सेशंस मैंने ऑलरेडी देखे थे, पीयूष जी ने शेयर किए थे मुझसे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा जो भी डाउट्स हैं उनको डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगी कि पूरी तरीके से यहाँ पे क्लियर करूँ। तो अगर सिविल्स की बात की जाए तो सिविल्स के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स है वो गिव अप कर देते हैं, मिड सेशन में गिव अप कर देते हैं। तो देखिए कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन की 3 स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, आप किसी प्रिपरेशन को शुरू कर रहे हैं, उस प्रिपरेशन को शुरू करते समय आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि शुरू करने के समय जब मैं हम किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को, किसी पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि इस प्रिपरेशन को मुझे बीच में गिव अप नहीं करना है। ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये जो एक चीज होती है कि लोग जनरली एस्पिरेंट्स जो है स्टूडेंट्स है बीच में सेशन को छोड़ देते हैं, तो उसको बीच में ना छोड़िए। दूसरी चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि आर्ट एंड कल्चर और इकोनॉमिक्स दोनों ही बहुत मेजर पोर्शन कवर करते हैं। आज हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो एक आधार है, हमारे देश को पूरी तरीके से चलाने का आधार, पूरे देश तरीके से जो हमारा देश चल रहा है वो इकोनॉमी पर बेस्ड है। इवन हमने COVID-19 का दौर देखा, COVID-19 में हमने देखा कि मैक्सिमम लोग सफर कर रहे थे इकोनॉमिकल इश्यूज से। उसी के साथ में अगर मैं बात करूं पीएम केयर्स फंड की, जो अभी रिसेंटली आरटीआई एक्ट के तहत जिसे जो है ना मंजूरी दी गई है, पीएम केयर्स फंड जो है उसकी इन्फॉर्मेशन है। अच्छा ये जो है ये क्वेश्चन बनता है एक तरह का कि पीएम केयर्स फंड जो है ये आरटीआई के तहत शामिल होता है या नहीं होता, आरटीआई एक्ट में आता है या नहीं आता। तो बिल्कुल नहीं आता क्योंकि इसके ऊपर रिट लगाई गई थी और काफी सारी चीजें इसके ऊपर अभी जो है हर्ष नाम के जो पर्सन थे उन्होंने रिट लगाई थी कि इसे जो है पीएम केयर्स फंड के तहत इंक्लूड किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे पूरी तरीके से नामंजूरी दे दी कि ऐसा नहीं होगा। तो ये क्वेश्चंस जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमी से कनेक्टेड है। अगर आप बात करेंगे किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन की, किसी भी ऐसे सेशन की जो कि मुद्रा से संबंधित है, स्टिमुलस पैकेज से संबंधित है, चाहे आप COVID-19 ले लीजिए या उससे पहले आपने कोई भी सेशन लिया है, कोई भी आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो उठा के देखिए, करीब करीब 17 to 18 क्वेश्चन जो है आपको इकोनॉमिक्स के मिलेंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर, जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड है। इसके अलावा काफी क्वेश्चंस हैं जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी ऐसी सीरीज हैं। अब इनको देखिए आपके दिमाग में क्वेश्चन होता होगा, ये क्वेश्चन जरूर आता होगा, इसको कवर कैसे करें, ये सीरीज को कवर कैसे किया जाए। हमने बहुत सारी सीरीज देखी है, बहुत सारा सब कुछ देखा है, लेकिन इसको कवर कैसे किया जाए। तो देखिए बहुत सिंपल अप्रोच होता है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि आपके पास दिन कितने हैं। आप जानते हैं अब से लगा के 4th of October को आप एग्जाम डेट आ गई है सिविल्स की, तो अभी से लगा के 4th of October तक का जो टाइम है ये आपके लिए बहुत प्रीशियस टाइम है। इस टाइम के अंदर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर इधर उधर जाने से बहुत ज्यादा सही तरीका एक जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो आज तक मैंने भी सक्सेस पाने के लिए फॉलो किया है, अभी भी करती हूँ, पहले भी करती आई हूँ, आगे भी ऐसे ही करती रहूंगी, क्योंकि मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं आपको बहुत प्रॉफिट में लेकर जाती है। क्या चीज लेकर जाएगी आपको प्रॉफिट में, कि आप किस तरीके से लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन करते हैं। आपके 4th of October को यू हैव द एग्जाम्स, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं 4th of October को। उसके अलावा आपको ये ध्यान में है कि अभी से लेके 4th of October तक मेरे पास में इतने दिन है। अब आपके लिए सबसे बड़ा टास्क बन जाता है उन दिनों को मैनेज करना। आप उन पर्टिकुलर डेज को मैनेज कैसे करते हैं, तो देखिए बहुत सिंपल अप्रोच है, बहुत सिंपल अप्रोच है। डेज को डिवाइड कीजिए,
सिलेबस को डिवाइड कीजिए डेज के अकॉर्डिंग और डेज को डिवाइड कीजिए टाइमिंग के अकॉर्डिंग. आपके पास में कितना टाइम बाकी है आपको उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है अपने टाइम को. समझ में आ रहा है आपको? इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं. चैट बॉक्स आपके लिए अवेलेबल है. मैं उसके आपकी सारी क्वेरीज जितनी भी होती है उन्हें सॉल्व करूंगी. इसके अलावा जनरली अब हम बात कर रहे थे आर्ट एंड कल्चर और इकोनॉमिक्स के कोर्स को कवर कैसे किया जाए. तो देखिए सबसे पहली चीज वो मटेरियल निकालिए जो लास्ट ईयर में पूछा गया है. लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है उनमें से क्वेश्चंस निकालिए. आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट कीजिए. उसके अलावा जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है उनको अलग कीजिए, उनको शॉर्टलिस्टेड कीजिए. जब आपके पास में कंपाइलेशन बन जाता है इकोनॉमिक्स का, इवन काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ऑनलाइन आपको अवेलेबल हो जाते हैं लास्ट ईयर के इकोनॉमिक्स क्वेश्चन जो कि यूपीएससी में पूछे गए हैं. इसके अलावा लास्ट ईयर के आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स या यूपीएससी में पूछे गए हैं, इन सारे क्वेश्चंस को कंपाइल कीजिए. इन सारे क्वेश्चंस को आप रिवाइज कीजिए और देखिए किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं. हार्डली आपके 7 to 8 days में आपके लास्ट ईयर के 10 years के क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे, चाहे आप इकोनॉमिक्स उठाइए चाहे आर्ट एंड कल्चर उठाइए. अब इन क्वेश्चन को प्रॉपरली मैनेज करते हुए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. आपको कितने कंसेप्ट क्लियर हैं और क्या क्या चीजें आ रही है, कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो मतलब आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं. उसके बाद में मैं बात करूंगी कि आर्ट एंड कल्चर इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस उठा लिए 7 to 8 days में. सारा कोर्स हमने देख लिया कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आइडिया लग गया आपको. अब आप अप्रोच कीजिए सिलेबस की तरफ. सिलेबस उठाइए. सिलेबस में से कितने टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन मैच करते हैं, मैक्सिमम लेवल पे क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, वो सारे शॉर्टलिस्ट कीजिए. फिर उन क्वेश्चंस के बेसिस पे टॉपिक्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए. ओके, अब उससे आगे यस, मेरे पास एक क्वेरी आई है. मैम यूपीएससी के साथ बैंकिंग एग्जाम की तैयारी में कुछ प्रॉब्लम है, याद नहीं है तो हम उसको कैसे देखें? ओके, समझ में आ रहा है मुझे अभिषेक जी. ओके, लिसन, देखिए क्या होता है कि बैंकिंग अप्रोच करना है आपको, तो सबसे पहले तो ये दिमाग में से निकाल लीजिए कि आपको डायरेक्ट इकोनॉमिक्स पढ़ना है. बैंकिंग अप्रोच के लिए सबसे पहले तो आपको प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंग्लिश, आपका रीजनिंग पोर्शन और मैथ्स पोर्शन, ये 3 portions स्ट्रांग होने चाहिए. उसके साथ में आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि मेंस की प्रिपरेशन के लिए आपको अपने साथ में इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर का स्टफ भी रखना है, मतलब जीके जीएस को भी साथ में रखना पड़ेगा, है ना. तो उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स अप्रोच करने के लिए बहुत इजी सा कंसेप्ट है बैंकिंग के अंदर इकोनॉमिक्स और यूपीएससी के अंदर इकोनॉमिक्स को कोई बहुत डिफरेंशिएट नहीं कर सकता. इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं, बेसिक कंसेप्ट्स अगर आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्लियर हैं, तो आप किसी भी एग्जाम में अप्रोच कर सकते हैं. अब बात आती है क्वेश्चन लेवल ऑफ डिफिकल्टी, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उन क्वेश्चंस के लेवल क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या है. तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पास्ट ईयर के पेपर्स. अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप पास्ट ईयर के पेपर उठाइए, उनको देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं. अब जो टाइम आपके पास बचा है, चाहे आप सिविल्स को प्रिपेयर कर रहे हैं चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम्स को, COVID-19 के बाद इस पर्टिकुलर दौर के बाद में एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, एग्जाम के प्रोसीजर्स स्टार्ट हो जाएंगे. उन सारे एग्जाम्स के प्रोसीजर्स के अंदर ये ध्यान रखिए कि आने वाले टाइम में आपको किस तरीके से अप्रोच करना है, ये स्ट्रेटजी अभी से बनानी पड़ेगी. ओके, उसके बाद में मैं बात करती हूँ. नेक्स्ट क्वेरी जो आई है कि आपको बुक्स चाहिए, सजेस्ट करनी चाहिए मुझे हिंदी मीडियम से, है ना. तो देखिए इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो रमेश सिंह, अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी कवर कीजिए, 9th to 12th एनसीईआरटी कवर कर लीजिए. अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो आप 11th 12th की एनसीईआरटी को उठाइए. एनसीईआरटी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है. आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी उठाइए, इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश में उठाइए. 11th 12th की एनसीईआरटी क्लियर हो जाती है. कोशिश कीजिए 9th to 12th करने की, बट आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है, टाइम कम है, तो आप 11th 12th की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी उठाइए. उसी के साथ में आपको रमेश सिंह रेफर करनी चाहिए, मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगी आपको, क्योंकि रमेश सिंह जो है वो अपने आप में एक ऑथेंटिक बुक मानी जाती है. उसके अलावा लाल एंड लाल पब्लिकेशंस की जो आती है वो भी अपने आप में एक बहुत ही ऑथेंटिक बुक है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड. इसलिए अगर आप इकोनॉमिक्स को अप्रोच करना चाह रहे हैं, रमेश सिंह भी हिंदी में अवेलेबल होती है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, और 11th 12th 9th to 12th स्पेशली एनसीईआरटी, उसके अलावा रमेश सिंह. और फिर भी आपको लगता है कि अभी भी कुछ, वैसे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स इससे क्लियर हो जाएंगे, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको अभी भी कुछ डाउट्स हैं, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप चाहे कोई छोटे से छोटे एग्जाम से एलडीसी से लगा करके यूपीएससी तक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 9th to 12th एनसीईआरटी के बाहर, और फिर रमेश सिंह तो एडिशनल है सिविल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज के लिए, तो आप इसको कवर कीजिए. उसी के साथ में अगर आपको आर्ट एंड कल्चर कवर करना है, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th 12th की स्पेशली फाइन आर्ट्स को उठाइए. पहले तो 11th 12th की फाइन आर्ट्स उठा लिया आपने, उसको कवर कर लिया. अब आप जाइए सिंघानिया सर की, समझ में आ रहा है आपको. सिंघानिया सर की बुक द बेस्ट बुक ऑफ, या हम कह सकते हैं एपिक ऑफ आर्ट एंड कल्चर है.
हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है आपके पास में, तो आप सिंघानिया सर की आर्ट एंड कल्चर की बुक पर जाइए तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको बहुत अच्छा जो एक सीरीज है वो मैं ऑलरेडी आप आईएएस की जो है रिक्वेस्ट के ऊपर, पीयूजी के रिक्वेस्ट पे आप आईएएस के ऊपर मैं एक सीरीज लेकर आ रही हूँ आर्ट एंड कल्चर की, जिसके अंदर मैं आर्ट एंड कल्चर को पूरी तरीके से कवर कर लूंगी, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। अगर उससे उसके बाहर अगर बात करें तो बहुत कम आने का चांसेस होते हैं, लेकिन उसके बाद भी देखिए बहुत डाइवर्सिफाइड कंट्री में रहते हैं, इंडिया बहुत बड़ा और बहुत डाइवर्सिफाइड कंट्री, जितने रिलीजन जितने कल्चर जितने ट्रेडिशन यहाँ देखने को मिलते हैं उतने किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम जो कवरेज है आर्ट एंड कल्चर का वो आपको इंडिया में देखने को मिलता है। सो इफ यू वांट टू गो थ्रू द आर्ट एंड कल्चर तो आपको इंडिया के स्टेट वाइज आर्ट एंड कल्चर को जरूर अप्रोच करना चाहिए। बट अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स को ही टारगेट कर रहे हैं, आने वाले टाइम में प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ आर्ट एंड कल्चर को अप्रोच करने के लिए जस्ट गो थ्रू द पास्ट ईयर्स पेपर्स, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, एज वेल एज 11th 12th का फाइन आर्ट्स और उसी के साथ में सिंघानिया सर, बस इतना आप फॉलो कर लीजिए आपके कंसेप्ट आर्ट एंड कल्चर को लेके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेरीज आई है मेरे पास में। ओके, ये कहना है घनश्याम जी का कि मैम एग्जाम के बारे में बताइए कि कितने टाइम बाद पेपर स्टार्ट होते हैं। ओके, पेपर कितने टाइम बाद स्टार्ट होते हैं, इसका मैं कुछ समझी नहीं हूँ घनश्याम जी, आप मुझे प्लीज इलैबोरेट करेंगे कि पेपर कितने टाइम बाद स्टार्ट होते हैं, तो मुझे थोड़ा सा कम समझ में आया है ये। इसके अलावा जो है देव जी का क्वेश्चन है, मैम अगर इकोनॉमिक्स चैप्टर वाइज ना करके टॉपिक वाइज करा जाए, ये तो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास में, दिस इज द बेस्ट एवर ऑप्शन। आज तक मैं जितने स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाया है टॉपिक वाइज पढ़ाया है, आज तक जितने स्टूडेंट्स को अप्रोच किया है मैंने, जितने स्टूडेंट ने मुझे अप्रोच किया है, मैं एक ही चीज रेकमेंड करूंगी, हमेशा इकोनॉमिक्स को टॉपिक वाइज उठाइए। जितना बुक में स्टफ, जैसे जीडीपी उठाया आपने, जीडीपी के अंदर, जीडीपी किसे कहते हैं, क्या होता है, क्या कॉजेज होते हैं जीडीपी के अंदर, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कैसे इसका सिस्टम चलता है, ये सारी चीजें बुक्स में मिल जाएगी आपको, लेकिन जीडीपी को लेकर फैक्ट्स जो है करंट अफेयर्स में जो जीडीपी से रिलेटेड न्यूज है वो आपको गूगल पे यूट्यूब पे सभी जगह अवेलेबल होगी। इसलिए मैं ये रेकमेंड करती हूँ, मैं ये पर्सनली सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी सब्जेक्ट को अप्रोच कर रहे हैं तो हमेशा टॉपिक वाइज कीजिए। जैसा मैंने आर्ट एंड कल्चर से आपसे डिस्कस किया कि आप पहले लीजिए स्कल्पचर्स लीजिए, आप पहले आर्किटेक्चरल फॉर्म लीजिए, फिर आप डांस फॉर्म लीजिए इंडिया के, फिर आप म्यूजिकल फॉर्म लीजिए, पपेट्री फॉर्म लीजिए, एक एक फॉर्म लेते रहिए, चैप्टर वाइज नहीं करना है आपको, एक एक पर्टिकुलर फॉर्म लिए, वही इकोनॉमिक्स के अंदर भी यही कीजिए, पर्टिकुलर एक एक फॉर्म लीजिए, एक एक सेक्शन लीजिए, आप एक एक चैप्टर लीजिए, चैप्टर नहीं कह करके मैं कह सकती हूँ, एक एक टॉपिक लीजिए और उस टॉपिक वाइज सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दीजिए, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी न्यूज में है वो पढ़ा, उस टॉपिक से रिलेटेड बेसिक्स पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया, अब आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप उसे अप्रोच कर सकते हैं, आपका एक टॉपिक पूरे तरीके से क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है देव करण जी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, आपका इश्यू सॉल्व हो गया होगा। इसके अलावा विवेक कुमार जी का कहना है कि आर्ट एंड कल्चर और इकोनॉमिक्स के इफेक्टिव तरीके से नोट्स कैसे बनाए जा सकते हैं। ओके ओके, तो बहुत इजी, जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि उस पर्टिकुलर जीडीपी क्या है, डेफिनेशन लिखा, जीडीपी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला लिखा, जीडीपी से रिलेटेड एनडीपी है तो एनडीपी को थोड़ा सा इलेबरेट कर दिया कि वो जीडीपी से कनेक्टेड कैसे है, इससे रिलेटेड अब जो भी कॉन्सिक्वेंसेज है, जो भी चीजें हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप नोट डाउन कीजिए पेपर पे। और मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगी आपको, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल्स, आपको स्मार्ट स्टडीज को अप्रोच करना पड़ेगा, आपको स्मार्ट स्टडीज पे जाना पड़ेगा। स्मार्ट स्टडीज के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा अप्रोच, एक बहुत अच्छी चीज मैं मंत्र देती हूँ आपको, क्योंकि मैंने भी इसे फॉलो किया है और बिल्कुल मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। जितना हो सकता है टॉपिक हर तरीके से कवर कीजिए, जितना हो सकता है टॉपिक को कवर कीजिए। ओके, जितना हो सकता है टॉपिक को कवर कीजिए आप, और उस टॉपिक को कवर करने के साथ ही उसके नोट्स शॉर्ट में बनाइए। कवर जब आप कर रहे हैं, जब आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो पूरी तरीके से पढ़िए, पूरा पूरा इलेबरेट फॉर्म में, पूरी तरीके से एक एक पॉइंट को पूरा अच्छे से दिमाग में सेटअप कर लीजिए। लेकिन जब आप उसके नोट्स बना रहे हैं तो बिल्कुल शॉर्ट में, एकदम ऐसे टर्म्स में नोट बनाइए कि आपको देखते ही समझ में आ जाए कि आपने क्या लिखा है। अब जब आप कहेंगे कि रिवाइज कैसे किया जाए मैम उससे, तो देखिए बहुत सिंपल तरीका होता है, कोई चीज आप आज पढ़ेंगे, 10, 15, 20 दिन बाद, महीने भर बाद में जाकर उसे निकालेंगे और पढ़ेंगे, और फिर आप कहेंगे कि मुझे कुछ याद नहीं रहता, तो ये आपके दिमाग की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है। क्योंकि हर इंसान का दिमाग एक जैसा होता है, हर इंसान को सारी चीजें याद रहती है, बस जरूरत है इस बात की कि आप कितना अच्छी तरीके से उसे रिकॉल कर सकते हैं।
कितने अच्छी तरीके से उन चीजों को रिवाइज कर रहे हैं। मैंने कोई चीज आज पढ़ी है, मैं कल फिर से उसे रिवाइज करूंगी, मैंने कल पढ़ी हुई चीज को परसों फिर से रिवाइज करूंगी। अगर मैं इस तरीके से चलती हूँ तो आपको डेफिनेटली ये श्योर है आने वाले टाइम में मैं मेरे कंसेप्ट्स इजीली क्लियर कर सकती हूँ, आने वाले टाइम में मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। आप एक वक्त खाना खाते हैं, दूसरे वक्त खाते हैं, तीसरे वक्त खाते हैं, तो आपको याद हो जाता है मुझे इस समय खाना खाना है ना। आप एक समय पढ़ने बैठते हैं, आप दूसरे दिन भी उसी समय पढ़ने बैठते हैं, तीसरे दिन, फोर्थ डे आप खुद रिकॉग्नाइज करेंगे, आपको रियलाइज होगा दैट आज टाइम हो गया मैं पढ़ने नहीं बैठा या पढ़ने नहीं बैठी। उसका रीजन ये है कि आपके माइंड में स्टेबिलिटी हो चुकी है उस चीज की। तो किसी भी चीज को आपके माइंड में स्टेबल करने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप उस चीज को मैक्सिमम लेवल पे रिवाइज करें, डेली रिवाइज करिए। 5 मिनट्स लगेंगे शुरुआत में, अगर मैंने आज नोट्स बनाया और कल पढ़ने बैठती हूँ, कल मैं उन चीजों को उठाती हूँ रिवाइज करने के लिए, मैक्सिमम 15 मिनट्स, परसों 10 मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा वो, क्योंकि स्पीड अप हो जाएगा उसको जाऊंगी मैं, स्पीड बढ़ जाएगी मेरी उन चीजों को रिवाइज करने की। उसके नेक्स्ट डे 5 मिनट्स में पहुंच जाएगा, उसके नेक्स्ट डे 2-3 मिनट्स में मैं सारी चीजों को देखते ही समझ पा रही हूँ। तो अल्टीमेटली 4-5-6 डेज अगर एक ही चीज को आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम होगी उस चीज को रियलाइज करने में, रिवाइज करने में, या उसके क्वेश्चन को देखते ही आप उसका आंसर सटीक तरीके से बता पाएंगे। तो ये अच्छा तरीका होता है किसी चीज को याद रखने का कि आप उसको रिवाइज कीजिए और इस तरीके के पॉकेट नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए जो कि आप, अच्छा मैं एक जनरल एक क्राइटेरिया लेती हूँ, मेरा ये फॉर्मूला है कि जो टॉपिक मैंने रिवाइज कर रही हूँ या पढ़ रही हूँ मैं, उसके ऊपर एक स्टिकी नोट छोटा सा लगा दिया करती हूँ और जो पॉइंट्स मुझे याद रखने हैं उन पॉइंट्स को नोट कर लिया करती हूँ। उन पॉइंट्स को कनेक्ट करते ही, नेक्स्ट डे खोला वो पॉइंट्स देखते ही कनेक्ट करूंगी और 5 मिनट्स में मेरा सारा रिविजन हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला अगर आप अपनाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके सारे डाउट्स, विवेक कुमार जी, उम्मीद करती हूँ आपको ज्यादातर जो है, हाँ बिल्कुल, ज्यादातर डाउट्स जो है वो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं, याद नहीं हो पाती चीजें, लेकिन अगर आप इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और फिर उन शॉर्ट नोट्स को डेली बेसिस पे रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली चीजें आपको याद हो जाएगी। ओके, उसके अलावा जो डाउट्स आ रहे हैं, ओके मैम, आर्ट एंड कल्चर और इकोनॉमिक्स का, ओके ये हम डाउट डिस्कस कर चुके हैं। इकोनॉमिक सर्वे, बजट एंड करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करें प्लीज बताइए। ओके, बहुत इजी चीज, बहुत इजी कंसेप्ट है ये, बहुत सिंपल सा एक टॉपिक आपने मुझसे पूछा है। देखिए इकोनॉमिक सर्वे वही चीज है, पहले तो बहुत बड़े सर्वेज और बजट्स होते हैं, आप उन सारी चीजों को याद नहीं रख पाते, तो आपको एक बहुत सिंपल तरीका अपनाना होगा। आपको उन सारी चीजों को पढ़िए, उनमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उसे नोट डाउन कर लीजिए। जैसे रेलवे बजट की बात करूँ, रेलवे बजट हेडिंग डाला, कितना बजट इस बार अलॉट हुआ है, लास्ट ईयर कितना था, किस डिपार्टमेंट को कितना दिया गया है और रेलवे मिनिस्टर कौन है, बस। अब आने वाले टाइम में जब भी आप रेलवे बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फैक्ट्स इतने ही काम आएंगे। अब फिर उसके अंदर मैं मेरे कंसेप्ट्स कितने डाल रही हूँ वो डिपेंड करता है आपकी एबिलिटी पर, कि आप में कितनी एबिलिटी है उन कंसेप्ट्स को क्लियर कर पाने की, आप अपने वेज से किस तरीके से आप उन चीजों को एक्सप्रेस कर पाते हैं या क्लियर कर पाते हैं, ये चीजें आपको एग्जाम राइटिंग के समय पता चलेगा। इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस हमेशा कीजिए, आर्ट एंड कल्चर लीजिए, चाहे आप इकोनॉमिक्स लीजिए, देखिए जनरली ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है या अदर सब्जेक्ट्स में बच्चे, स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स यूजुअली जो है आंसर्स लिख लिया करते हैं, बट जनरली मेरे पास ये क्वेरी आती है कि मैम इकोनॉमिक्स के आंसर्स कैसे लिखें, क्योंकि फैक्ट्स याद नहीं हो पाते, कंसेप्ट्स दिमाग में नहीं रहते, ये सारी क्वेरीज आती है। तो देखिए बहुत सिंपल अप्रोच है, फैक्ट्स को रिवाइज कीजिए, डेली बेसिस पे रिवाइज कीजिए। इकोनॉमिक्स में एक चीज ध्यान रखिए कि डेली करंट अफेयर्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर्स के लिए आप डेली द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए, उसके साथ में उसके अंदर इकोनॉमिक्स का एक पूरा पोर्शन होता है उसे कैरी कीजिए। उसके अंदर आपको कौन सा क्वेश्चन रह रहा है आपका, कौन सी ऐसे टॉपिक्स हैं जो रह गए हैं, उन चीजों को वहां पे डिस्कस कीजिए, उन चीजों को वहां नोट कर लीजिए, एक रजिस्टर बनाइए जिसमें आप उन चीजों को नोट कीजिए, तो डेफिनेटली आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे की आप बात कर रहे हैं वो करंट अफेयर्स को ही कवर कर लिया करते हैं, जो बजट एक साल में एक बार आता है उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाइए, उन नोट्स के बेसिस पे आप बजट को स्टडी कीजिए। ओके, उम्मीद करती हूँ सर्वेश कुमार जी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैम, न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत टाइम लगता है प्लीज। ओके ओके ओके, ठीक है। देखिए बेसिक कंसेप्ट अगर मैं आपको बता दूं, टू बी वेरी फ्रेंक, मैं कोई प्रमोशन बेसिस पर नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं एक बेसिक कंसेप्ट पे बात कर रही हूँ कि मैं ऑलरेडी न्यूज़पेपर का एनालिसिस बनाती हूँ, तो जितना मुझे एनालाइज करके और एनालिसिस बनाने में टाइम लगता है, हार्डली 45 मिनट्स में मेरा न्यूज़पेपर बन के एनालाइज हो जाता है ना। तो अगर मुझे इतना टाइम लगता है तो डेफिनेटली आप लोग भी बहुत इजीली कर पाएंगे। हमारे दिमाग में क्राइटेरिया होता है, हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते, और द हिंदू तो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं जाता मैम हमसे, ये कंसेप्ट आते हैं, क्वेरीज आती है बच्चों की। तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, द हिंदू न्यूज़पेपर को उठाइए, एक दिन बड़ा आपको अजीब लगेगा, खुद पे हंसी आएगी, कुछ भी ना पढ़ पाए, हो सकता है आप हार्डली एक न्यूज भी मुश्किल से पढ़ पाए, द
दूसरे दिन उठाइए, दूसरे दिन फिर उसी न्यूज़पेपर को पढ़िए, अगले दिन और पढ़िए, तीसरे दिन और पढ़िए, चौथे दिन और पढ़िए। इस तरीके से आप रेगुलर बेसिस पे अगर न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर में आपको कंटिन्यूएंसी चाहिए, फ्लुएंसी चाहिए। वो कब आएगी? जब आप रेगुलर होंगे किसी चीज में। आप किसी चीज को रेगुलर पढ़ रहे हैं, रेगुलरिटी रख रहे हैं, आप एक दिन खाना, बच्चे को खाना खाना सिखाते हैं, वो एक दिन थोड़ा सा मुश्किल से खा पाता है, गिराता है, दूसरे दिन भी होता है, तीसरे दिन, अल्टीमेटली 20-25 डेज में उसकी आदत बन जाती है कि मुझे कैसे खाना है, है ना। तो आप शुरुआती तौर में डिक्शनरी लीजिए, कोई हार्ड वर्ड्स हैं उसे आप देखिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन 21-22 डेज में आप फ्लुएंटली न्यूज़पेपर पढ़ पाएंगे। निराश होकर दूसरे या तीसरे दिन न्यूज़पेपर रख ना दीजिए कि मैम बिल्कुल नहीं हो रहा या न्यूज़पेपर मुझसे हो ही नहीं रहा। इस सिचुएशन के साथ में अगर आप रहेंगे तो आप कभी भी न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ पाएंगे। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए सबसे बेसिक कंसेप्ट है, उसे उठाइए, पढ़िए, हिम्मत कीजिए, कोई बात नहीं, डिक्शनरी उठाइए, डिक्शनरी में से वर्ड्स को टैली किया। फोन, आजकल तो गूगल सबसे बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके लिए, बहुत अच्छा हेल्पिंग हैंड बन चुका है गूगल। गूगल उठाइए, ट्रांसलेटर उठाइए, वर्ड्स को डालिए, वर्ड्स का आंसर फाइंड आउट कीजिए, मीनिंग फाइंड आउट कीजिए, उस बेसिस पे ये चीजें समझ लीजिए आप, ठीक है। आपके लिए न्यूज़पेपर इजी हो जाएगा, हार्डली 10-12 डेज आपको डिक्शनरी की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके बाद वो भी नहीं रहेगी। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, और इसके लिए कोई डाउट है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं इससे रिगार्डिंग। अदरवाइज एक बहुत सिंपल अप्रोच है, दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इट मींस अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली 20 or 21st डे यू विल बी एबल टू रीड होल न्यूज़पेपर। कोई जरूरी नहीं है, मैं खुद हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, मेरा थ्रू आउट एजुकेशन हिंदी मीडियम में हुआ है, बट मैं फ्लुएंटली इंग्लिश क्यों बोल पा रही हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, इंग्लिश न्यूज़ सुनती हूँ। ये सब चीजें जब अपन रेगुलरली करते हैं, अपने मन से एक डर को मिटाना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके मन में ये डर है कि हम ये चीज नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे, तो आप उस चीज को कभी नहीं कर पाएंगे। और अगर आप में जुनून है कि कर लेंगे तो हो जाएगा। इसलिए अगर आपको लगता है इसके अलावा भी कोई इश्यू है तो आप डेफिनेटली उनसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है ये, यस, याद रखना जरूरी है या समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है पलक शर्मा जी ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये एक बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपने कोई चीज को, दोनों ही चीजें जरूरी है, अगर मैं ये कहूँ कि समझना ज्यादा जरूरी है, याद रखना नहीं, तो ये भी गलत होगा, लेकिन याद रखना जरूरी है, समझना भी जरूरी है, ये भी सही है। ये दोनों कंसेप्ट आपको अपनाने ही पड़ेंगे जीवन में। सक्सेस के लिए यू हैव टू फॉलो बोथ द थिंग्स, आपको चीजें याद भी होनी चाहिए, आपके कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। अब देखिए, चीजें समझ में तब आएगी जब आपको वो चीज पढ़ेंगे आप उस चीज को, और याद तब रहेगी जब चीजें समझ में आएगी। तो दोनों इंटरकनेक्टेड है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि जनरल इकोनॉमी या रेलवे बजट किस तरीके से बनाया जाता है, या रेलवे बजट का फॉर्मेट क्या होगा, या रेलवे बजट से क्या क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन में, एग्जाम में आ सकते हैं, तो उस बेसिस पे आप चीजों को समझेंगे, और जब समझेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें याद रहेगी आपको। इसलिए बहुत ईजी कंसेप्ट है कि समझना जरूरी है, और समझते ही चीजें अपने आप याद हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउटफुल चीज है, या इसमें कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती होगी, बिकॉज बहुत इजी चीजें हैं। कंसेप्ट को समझिए, बेसिक्स को याद रखिए, कंसेप्ट को समझना है, बेसिक्स को याद रखना है, दोनों चीजें जब मिक्स हो जाती है तो एक बहुत अच्छा टेक्सचर निकल कर आता है, वही टेक्सचर आपके एग्जाम में काम आता है। मैम एक मिनट। हाँ जी मैम, जैसे कि कोई टॉपिक को याद करके या समझ के सारा पेज में या लाइन वाली पेज में लिखना है, अपने मतलब अपने अनुमान से उस टॉपिक को बनाना है। ओके, जैसे एक बुक में रहेगा दूसरा टॉपिक, उस टॉपिक को समझ के अपना मतलब दूसरे अपने अनुमान से उस टॉपिक को चेंज करना है। अच्छी वाली बात है क्या? देखिए, बहुत क्लियर कंसेप्ट है इसके लिए। आपने जिसने भी क्वेश्चन मुझसे कहा पूछा है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको टॉपिक को समझना है और आपको आंसर, देखिए मैंने आपसे पूछ लिया कि जीडीपी क्या है, जीडीपी से रिलेट, या चलिए ये एक कॉमन सा कंसेप्ट लेती हूँ मैं, आज ही मैंने ये न्यूज में देखा है, जीएसटी, जीएसटी क्या है, और अभी हाल ही में कोरोना वायरस के दौरान जीएसटी के जो सर्कुलेशन है उसने हमारी इकोनॉमी को कैसे प्रभावित किया है, क्या ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हम इसके अलावा भी और तरीकों को अपनाएं या नहीं, अपने शब्दों में बयान कीजिए, ये मेरा क्वेश्चन है जो मैंने आज के न्यूज़पेपर से बनाया था। तो देखिए, एक बहुत इजी कंसेप्ट बताती हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन मेरे सामने आया, मुझे ये बात पता है कि जीएसटी क्या है, तो सबसे पहले तो मुझे ये आंसर लिखना होगा कि जीएसटी है क्या, है ना, और किस तरीके से जो है स्टेट जीएसटी, और किस तरीके से आईसीजीएसटी, या हम कह सकते हैं आईजीएसटी और एसजीएसटी, दोनों तरीके से किस तरीके से इसे डिवाइड किया गया है। फिर मैंने उनके कॉन्सेप्ट्स को लिख लिया, है ना, दोनों पार्ट्स को लिख दिया, दोनों पार्ट्स को डिफाइन कर दिया। अब मैं आऊंगी इस तरीके से कि इसका प्रभाव, COVID-19 का प्रभाव जो है जीएसटी पर कैसे देखने को मिला, या जीएसटी की जो उसके थ्रू जो इनकम्स होती है उसने कैसे COVID-19 के इस काल में, इस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। ठीक है, अब इस तरीके से प्रभावित किया
अब सरकार को जरूरत है कि वो ऐसे रास्तों को अपनाए जो इन चीजों से किसी भी तरीके से भारत को बाहर, भारत की अर्थव्यवस्था को बाहर लाने की कोशिश करें। तो सरकार को ऐसे रास्तों को अपनाना जरूरी है जिन रास्तों के जरिए वो भारत की इकोनॉमी को वापस अपने रास्ते पर, अपने ट्रैक पर ला सकती है। इसलिए जीडीपी से कनेक्टेड, सॉरी जीएसटी से कनेक्टेड जो भी चीजें हैं आपको पता है फैक्ट्स, पहले तो उसे ध्यान में रखिए, आप दिमाग में रखिए, फिर आप अपने व्यूज को इम्पोज कीजिए कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा सरकार जीएसटी से हुए, जीएसटी ना भर की भरपाई ना होने के कारण जो इकोनॉमी को जो नुकसान हुए हैं इस कोरोना वायरस के दौरान, COVID-19 के दौरान, तो उसे कैसे भरपाई की जा सकती है, उसके लिए और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उन तरीकों को आप उसमें लिखिए अपने आधार पर, अपने विचारों के आधार पर। और फिर लास्ट में जाता है कंक्लूजन कि अब इस पूरे आंसर जो मैंने यहाँ लिखा है इसका कंक्लूजन क्या है, इसका अल्टीमेट लाइंस, अगर 3-4 लाइन में मैं विचार अपने अभिव्यक्त करती हूँ तो मैं बताना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस पर जीएसटी ना कलेक्ट होने के कारण या जो टैक्सेशन सिस्टम जो है पूरी तरीके से बिगड़ जाने के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत भारी प्रभाव देखने को मिला, लेकिन उस प्रभाव से बाहर निकला जा सकता है यदि सरकार द्वारा इन इन मापदंडों या ऊपर सुझाए गए मापदंडों को अपनाया जाए तो हम अर्थव्यवस्था को पुनः अपने एक स्वरूप में ला सकते हैं। तो इस तरह का जो आंसर है उसे लिखा जा सकता है। तो मतलब मैंने बेसिक्स भी ऐड किए हैं, जो फैक्ट्स हैं मैंने उसे भी ऐड किया है और मेरे कॉन्सेप्ट्स को भी डाला है, मैं क्या विचार करती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ इसके बारे में, मैंने वो भी ऐड किया है। तो इन दोनों का टेक्सचर मिला करके बहुत ही सुंदर आंसर सामने आता है जो कि आपको मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करता है। उम्मीद करती हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा जो क्वेश्चन आया है, ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तो देखिए हिंदी मीडियम के लिए आपको रेगुलर, आप चाहे हिंदी मीडियम से हैं चाहे इंग्लिश मीडियम से हैं, मैं आपको एक चीज जरूर बता देना चाहती हूँ कि सब्जेक्ट पर आप हिंदी मीडियम के तौर पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, हिंदी अच्छी होनी चाहिए आपकी, और आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट अगर आप हिंदी मीडियम से, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जनरली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में और बच्चों को ये बताया जाता है, आप भी सुनने में आया होगा आपको भी, कि जनरली लोगों को, बच्चों को ये बताया जाता है कि भाई आपको इंग्लिश मीडियम में ही देना है, आप हिंदी मीडियम से आए हैं या हिंदी मीडियम से आपका सिलेक्शन होना कोई संभव नहीं है। तो ये बहुत पूरी तरीके से एक मिथ है, एक बहुत झूठी अफवाह है, इस तरह का कुछ भी नहीं होता। हिंदी मीडियम से कई टॉपर्स आज तक निकले हैं और इंग्लिश मीडियम से भी कई टॉपर्स निकले हैं। अगर आप सिविल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईएएस की कर रहे हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज में दे रहे हैं, जिस मीडियम में दे रहे हैं, पहले बात तो कि आपका उस पर कमांड होना बहुत जरूरी है। मुझे पता है कि मुझे इकोनॉमिक्स नहीं, अर्थव्यवस्था के आधार पर देना है, अर्थव्यवस्था सब्जेक्टिव चुना है मैंने, मतलब मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे अर्थव्यवस्था में मांग, आपूर्ति और अन्य चीजों का ध्यान रखना होगा, सेवाओं और वस्तुओं का ध्यान रखना होगा, ना कि गुड्स एंड सर्विसेज का। अगर ये कमांड आपका है अपने सब्जेक्ट पे तो आपको कोई भी सिलेक्ट होने से नहीं बचा सकता, आप सिलेक्ट होंगे, डेफिनेटली सिलेक्ट होंगे, इससे कोई आपको रोक नहीं सकता। इसलिए एक तो सबसे पहला तो ये कंसेप्ट निकाल लीजिए कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, आप जिस भी मीडियम से हैं बस उस पर आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए। दूसरी चीज कि आप न्यूज़पेपर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑथेंटिक न्यूज आज की डेट में अगर भारत में मानी जाती है तो आज की डेट की सबसे ऑथेंटिक न्यूज जो भारत में देखी जाती है वो द हिंदू न्यूज़पेपर में देखी जाती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा द हिंदू न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना, उसे पढ़ने की आदत डालिए, कोई बात नहीं, धीरे पढ़ेंगे आप, टाइम लगेगा। और इसके अलावा आपको लगता है कि आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो कई सारी ऐसी, जैसे जागरण जोश है, ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं जो नेट पे अवेलेबल है, आपको हिंदी में भी स्टफ अवेलेबल करवाती है, समझ में आ रहा है आपको। तो ऐसा डाउट अगर आपके माइंड में है कि आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम, तो वो निकाल दीजिए। और न्यूज़पेपर द हिंदू इज द बेस्ट, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 20 से 21 दिन जरूर लगेंगे लेकिन आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे द हिंदू से, कि आपको पढ़ना आ रहा है या नहीं पढ़ना आ रहा, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। हाँ जी मैम, आईएएस के लिए हिंदी मीडियम अच्छा रहेगा इंग्लिश मीडियम अच्छा रहेगा, आपका कमांड किस पे अच्छा है ये बताइए। हिंदी मीडियम पे मैम। तो बस आप अपने सब्जेक्ट को कमांड पे रखिए, अपने सब्जेक्ट के, मैंने आपको अभी बताया अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र का पेपर दे रहे हैं तो अर्थशास्त्र का ही दीजिए, मांग आपूर्ति, आप जो मैं कह सकती हूँ वस्तु सेवाएं, इन सब का ध्यान रखेंगे तो आप प्रतियोगिता। ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो आप बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस हिंदी मीडियम में, तो बहुत अच्छा अप्रोच है। ये गलतफहमी ना रखिए कि हिंदी मीडियम से है तो सेलेक्ट नहीं होंगे, हिंदी मीडियम से है तो भी सेलेक्ट होने के चांस है। बस अगर आपको ये पता है कि पॉलिटिकल साइंस नहीं, मुझे राजनीतिक विज्ञान को ध्यान में रखना है। और मैं फर्स्ट ईयर में भी आ रहा हूं, सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में अभी, तब तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, आप आगे साल दो साल तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा टाइम अवेलेबल है आपके पास में, आप इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, वेस्ट मत कीजिए। और ये ना सोचिए कि कैसे आप उन चीजों को मैनेज करेंगे, बिल्कुल नहीं, ग्रेजुएशन के अंदर जो आता है वही चीजें आपसे पूछी जाती है पेपर में, वही कॉन्सेप्ट्स आपके
इंटरव्यू में पूछे जाएंगे. अभी रिसेंटली जो इंटरव्यू हुए थे मेरे एक मित्र ने एक, हाँ जी बताइए. मेरे समझ में नहीं आ रहा मैम कैसे तैयारी करूँ. मैम मधेपुर बिहार से मधेपुरा जिला से बोल रहे हैं मैम. अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए कहाँ से बिलोंग करते हैं कोई मैटर नहीं करता. आपको अच्छी तैयारी करनी है तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप 6 to 12 सबसे पहले तो एनसीईआरटी क्लियर कीजिए. एनसीईआरटी की किताबें खरीदिए, उन किताबों को अच्छे से पढ़िए, 6 to 12 की किताबों को. और फिर ग्रेजुएशन जो कि आप ऑलरेडी पढ़ाई कर ही रहे हैं तो ग्रेजुएशन की किताबों को अपने सब्जेक्ट पर कमांड बना लीजिए. बिल्कुल इस तरीके से पढ़ लीजिए कि आपको आने वाले टाइम में उससे उठा करके कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो बहुत इजीली आप आंसर कर सकें. बस इतना काफी है, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. और अभी से आपके पास टाइम है, अभी से आप न्यूज़पेपर को जरूर फॉलो कीजिए. एक न्यूज ना छोड़िए, ऐसी कोई न्यूज ना हो जिसकी जिसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है, ध्यान में ही नहीं है. स्कीम्स है, योजनाएं हैं, सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है, ये सारी चीजों को इवेल्युएट कीजिए. यू विल बिकम एन आईएएस ऑफिसर सून. हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. जैसा मैम कि मैं भी अभी बीए फर्स्ट ईयर में हूँ तो मेरी जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स है, मेरी ज्योग्राफी है और सोशियोलॉजी है. ठीक है मैम. तो मेरा जो टेंथ का परसेंटेज है वो काफी कम है, फर्स्ट डिवीजन के करीबन है. क्या मैम कोई फर्क नहीं पड़ता आपका टेंथ का और ट्वेल्थ का परसेंटेज क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता. जितने टॉपर्स आज तक निकले हैं गवर्नमेंट स्कूल से निकले हैं और जितने आईएएस ऑफिसर्स निकले हैं आज तक या दूसरे स्टेट के सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स निकले हैं वो सभी गवर्नमेंट स्कूल से और टेंथ में फेलियर जैसी कंडीशन से निकले हैं. एक आईएएस ऑफिसर है जिन्होंने अपनी मार्कशीट भी साझा की थी इंटरनेट सोशल मीडिया पर कि वो 3 बार 10वीं में फेल हुए और फिर पढ़कर मेहनत करके आईएएस ऑफिसर बने. इसलिए सबसे पहले तो आप ये अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि आपके 10वीं और 12वीं में परसेंटेज बहुत कम है. हाँ मैम, मैं भी एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता हूँ. जैसे कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, उत्तराखंड के उत्तरकाशी सिटी से बिलोंग करता हूँ. ठीक है मैम. तो मेरा जो 12th में रहा 65 रहा, इकोनॉमिक्स में मेरा जो रहा 78 नंबर. और तो मैम ओनली मेरे जो इकोनॉमिक्स में है वो हाई लेवल के नंबर है और ये मेंटेन करेगा. ये तो नहीं कहेगा मैम कि मतलब और सब्जेक्ट में कम नंबर है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने अगर इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा स्कोर किया है, आपको लगता है आपका इकोनॉमिक्स पे कमांड बहुत अच्छा है तो आप मेंस में इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कीजिए. बिल्कुल मेंस में इकोनॉमिक्स को चुनिए, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है. और जब आप आगे आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपने जो सब्जेक्ट अब तक पढ़े हैं, चाहे ज्योग्राफी है चाहे पॉलिटिकल है, जो भी सब्जेक्ट आपके रहे हैं या आपने पढ़े हैं, वो आने वाले टाइम में आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे आपको. बिकॉज आप सिविल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है. देखिए मेरे को ये लगता है, मुझे ये पता है कि मार्क्स जो है वो आपके इंटेलिजेंसी को डिफाइन नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते. अगर आपके पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी में अगर बात करूं तो अच्छे मार्क्स नहीं है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका ज्योग्राफी पे कमांड नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप बिल्कुल स्कोर कर सकते हैं अगर आप में ये जोश है कि नहीं मुझे जो वीक सब्जेक्ट है. हाँ उल्टा आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा कि आप आने वाले टाइम में सिविल्स के अंदर इकोनॉमिक्स में आपको कम तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हैं जैसा कि आप अपने नंबर मार्क्स बता रहे हैं. इसके अलावा ज्योग्राफी या अन्य सब्जेक्ट्स में आपको कम तैयारी करनी पड़ेगी. तो ये सारी चीजें ऑलरेडी बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्क्स आपकी इंटेलिजेंसी को डिफाइन नहीं करते. आप अगर इंटेलिजेंट हैं या आपको कोई चीज अचीव करनी है तो उसके लिए आप चाहे डफर है चाहे इंटेलिजेंट, बस आपकी के प्रति ये ध्यान रखिए आप और तैयारी करते चले जाइए. आयुष, आई थिंक यू आर आउट ऑफ द कनेक्शन. डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. थोड़ा सा नेटवर्क आपका अनस्टेबल है, एक बार चेक कर लीजिए. ओके लेट मी चेक, वेट. हेलो मैडम जी. हेलो हेलो. हाँ मैडम जी, मैं 2020 पीटी दे रहा हूँ यूपीएससी का, सेकंड अटेम्प्ट है मेरा. ओके ओके मैडम जी, रिवीजन किस प्रकार से करें ताकि सारे डाउट क्लियर और उसमें टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज है ये कि आप 2020 दे रहे हैं. सबसे पहले तो आपको बेस्ट ऑफ लक है. और दूसरी चीज कि अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो जो 100 डेज 90 डेज आपके पास इवन 90 डेज जो बचे हैं, अगर मैं बात करूं आज से तो अगस्त सितंबर और अक्टूबर, अक्टूबर 4th को एग्जाम है तो 90 डेज भी पूरे नहीं है. इन जनरल 60 डेज आपके पास बचते हैं, राइट? तो इन 60 डेज में आपको कैसे प्रिपेयर करना है, सबसे पहले तो उसकी स्ट्रेटजी बनाइए कि मुझे जो सब्जेक्ट मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं या जिन पे अच्छा कमांड है, पहले तो आप उनके रिविजन लीजिए, उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. और सेकेंड मैटर आता है करंट अफेयर्स का सेक्शन. करंट अफेयर्स पिछले एक साल के अच्छे से क्लियर कर लीजिए. 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर्स, सारी योजना सारी स्कीम्स, इन सबको कवर करने के बाद में जो आपके सब्जेक्ट जिन पे आपका कमांड है, आपके बहुत अच्छे सब्जेक्ट है, आप 2-3 बार कर चुके हैं, इवन 1 बार भी किया है लेकिन आपका कमांड बहुत अच्छा है, तो उन सब्जेक्ट को आप उठाइए और रिविजन कीजिए.
जो सब्जेक्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और जिनके सारे कंसेप्ट आपके अगर क्लियर हैं, तो आपको कुछ दिनों के लिए, कुछ दिन में ही आप बहुत अच्छे से उन सारे कंसेप्ट को, उन सारे सब्जेक्ट को रिवाइज कर लेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ वक्त बच रहा है, तो आपके पास में मैराथन क्लासेस जो है, प्रीलिम्स सेंट्रिक क्लासेस जो है, ऑलरेडी आप IAS भी अवेलेबल करवा रहा है, और भी कई सारे YouTube चैनल्स पे जो है आपको ऐसी क्लासेस अवेलेबल हो जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके अंदर आप मैराथन क्लासेस चलती है, मतलब कुछ घंटों में या कुछ वीडियोस के अंदर आपके सारे कोर्स कंप्लीट कर देती है। तो जिस सब्जेक्ट को आपने तैयार नहीं किया है, उस सब्जेक्ट के ऐसे वीडियोस को फॉलो कर लीजिए, तो आप कुछ दिनों में आपके वो कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। जो सब्जेक्ट्स आप ऑलरेडी कर चुके हैं वो भी क्लियर है, करंट अफेयर सेक्शन भी क्लियर है, और उसके बाद जो समय बच रहा है, आप उस समय के अंदर उस यूटिलाइज करते हुए जो सब्जेक्ट छूट गए हैं या जिनका वेटेज, देखिए उन चीजों पे अब टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा जिनका वेटेज नहीं रहता एग्जाम में, है ना। जैसे कि बहुत सारे ऐसे पोर्शन होते हैं जिनका वेटेज ही नहीं होता एग्जाम में, तो उन सब्जेक्ट्स को बिल्कुल अभी टाइम वेस्ट ना कीजिए उनके ऊपर। करंट अफेयर सेक्शन, पॉलिटिक्स सेक्शन, इकोनॉमिक सेक्शन, इनसे अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सब्जेक्ट को आप अच्छे से कवर कीजिए, आर्ट एंड कल्चर, और इसके अलावा हिस्ट्री को भी कवर कीजिए, जिससे कि आपका एक बेस तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको जियोग्राफी बचता है, जियोग्राफी को भी कुछ वक्त दीजिए, तो इससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, तो आपको और किन्हीं चीजों पर वक्त देने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। आयुषी जी, मेरा ये मानना है कि आपका जो सेशन है, कई लोगों के क्वेश्चन जो है आउट ऑफ द बॉक्स आ रहे हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट देम कि आपके जो भी क्वेरीज हैं उनको आर्ट एंड कल्चर और जो है इकोनॉमिक से रिलेटेड है क्वेश्चन है, क्योंकि आपके लिए आस्क मी एनीथिंग सेशन योगेश गर्ग जी का था, उससे पहले बहुत सेशन आपके हो चुके हैं, सो यू शुड रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू द सब्जेक्ट मैटर आई थिंक। श्योर, अगर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड किसी को कोई टॉपिक्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछिए, मैं बिल्कुल क्लियर करने के लिए ही हूँ यहाँ पे अवेलेबल, और क्लियर करूंगी। आप किसी को कोई डाउट है तो आप पूछिए, जो बेसिक कंसेप्ट है किस तरीके से इन दोनों सब्जेक्ट्स को लिया जाता है और पढ़ा जाता है, वो चीजें मैंने आपसे क्लियर की है ऑलरेडी, मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो उसके अलावा अगर किसी को कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो मैम जैसे UPSC में जाना है, प्राइवेट कॉलेज से ग्रेजुएशन कराऊंगा, आगे चल के कोई दिक्कत ना। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप UPSC के प्रिपरेशन के लिए प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 12th में डबल मार्कशीट हमको मिला, डबल CLC, डबल माइग्रेशन मिला, जैसे कि हम चैलेंज किए थे तो डबल मिला, तो डबल में किससे एडमिशन कराएंगे? सॉरी मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, आपकी आवाज कट रही है। जैसे मैम 12th क्लास पास किया ना, 12th क्लास में डबल मार्कशीट मिला, नेटवर्क प्रॉब्लम है जी। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम। मुझे वॉइस कट क्यों हो रहा है? मैम आप क्लियर है? शायद वो उनके उनके उसमें नेटवर्क इशू था, वो लेफ्ट हो गए शायद कोई मीटिंग। अभी आपका आवाज क्लियर आ रहा है मुझे। एक क्वेरी आई है मेरे पास में, मैं एक बार उसको रिप्लाई कर देती हूँ। मैम पढ़ने मैं पढ़ने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है, बोल बोल कर पढ़ना या मन? देखिए यही तो बड़ा ही अजीब क्वेश्चन पूछा है आपने, बड़ा। हालांकि ठीक है, हो सकता है किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, तो मैं बिल्कुल ये बताना चाहूंगी कि कोई तरीका नहीं होता पढ़ने का। पढ़ने का तरीका वो होता है जो आपके अंदर होता है, आपका क्या हुनर कहता है, आप किस तरीके से चीजों को याद कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और मुझे नहीं लगता UPSC लेवल पे आने के बाद में किसी को ये डाउट होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक सर्टेन एज आप क्रॉस कर चुके हैं, एक सर्टेन एज की किस तरीके से आपको चीजें याद होती है ये एज आप ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। इस तरह के डाउट्स मुझे नहीं लगता कि एक UPSC एस्पिरेंट के मन में आने चाहिए। हाँ जी, इसके अलावा इकोनॉमिक्स या आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कोई इशू है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। एनीवन जिसके भी डाउट्स हो वो या तो चैट बॉक्स में पूछ ले, या फिर खुद को अनम्यूट करे और उसके बाद म्यूट करके जो है वो पूछ सकता है। तो जिसके भी डाउट्स हो दे कैन आस्क द क्वेश्चन। तो सभी के डाउट्स अगर क्लियर हैं तो एक बार बता दे चैट बॉक्स में, अगर डाउट्स हैं तो वो भी पूछ लें। हाउ UPSC कवर इंडियन आर्ट एंड कल्चर? ओके, इट विल कवर द ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का डांस ले लीजिए, डांस फॉर्म से लगा करके आर्किटेक्चरल स्कल्पचर, आप म्यूजिक फॉर्म ले लीजिए, जो भी फॉर्म लेंगे आप, इंडिया की जितनी भी डाइवर्सिफाइड कंट्री है इंडिया, इंडिया के जितने भी एस्पेक्ट है, जितने भी टॉपिक्स आप ले लीजिए, जितने भी चीजें जो ट्रेडिशन और कल्चर को कवर करती है, वो UPSC आपको कहीं से कुछ भी उठा के पूछ सकता है। इसलिए ये कंसेप्ट तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि UPSC आपको एक पर्टिकुलर सेक्टर से कुछ पूछेगा। UPSC आपको पूरे इंडियन आर्ट एंड कल्चर का कुछ भी उठा के पूछ सकता है। एक इंपॉर्टेंट सेक्टर जो आर्ट एंड कल्चर की अगर मैं बात करूं, तो रिसेंट अभी GI टैग्स जो है प्रोवाइड करवाए गए हैं, तो GI टैग्स जिन चीजों पर, जिन प्रोडक्ट्स पर जो है प्रोवाइड करवाए गए हैं, वो उनकी स्टेट्स, इन सारी चीजों को जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये रिसेंट न्यूज में रहे हैं। और इसके अलावा एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है,
उसके अभी रिसेंट मीटिंग हुई थी लास्ट ईयर, तो उससे रिलेटेड जैसे जयपुर जो है उसे राजस्थान के जयपुर को जो है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है। तो ये सारी चीजों को जो इंडिया से रिलेटेड टर्म्स है जो कि कहीं ना कहीं स्कल्पचर आर्किटेक्चर या डांस म्यूजिक या इन सारी चीजों पेंटिंग्स इन सबको कवर करता है, पपेट्री इन सारी चीजों को जो भी चीजें कवर करती है जो भी टॉपिक्स कवर करते हैं उन सभी को कर लीजिए प्रीति सिन्हा जी, यू विल गेट एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू यूपीएससी। और उसके अलावा 11th 12th आपको लग रहा है कि भाई कौन से टॉपिक्स फिर भी मैं नहीं कवर कर पा रही हूँ, तो आप बिल्कुल 11th 12th के फाइन आर्ट्स के टॉपिक्स लीजिए, उसी के साथ में आप ग्रेजुएशन लेवल की जो भी आर्ट एंड कल्चर की सीरीज है उसको लीजिए फाइन आर्ट्स को, और सिंघानिया सर की जो है उस बुक को जरूर फॉलो कीजिए, तो आपके आर्ट एंड कल्चर का एक एक पोर्शन जो है क्लियर हो जाएगा। मैडम जी मेरा लास्ट क्वेश्चन था कि मैं जब टेस्ट देता हूं, तो उसमें क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा गलत होते हैं। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है सर। जब जिस दिन आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे उस दिन, इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा खेल है कंसेप्ट क्लियर होना, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप इकोनॉमिक्स का कोई भी क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कंसेप्चुअल बेसिस पे यूपीएससी आज तक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछता आया है, कोई आपसे जीएसटी की जीडीपी की इन्फ्लेशन की डिफ्लेशन की मुद्रास्फीति क्या है इन सबकी डेफिनेशन नहीं पूछता, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन नहीं पूछता, यूपीएससी आपसे पूछेगा कि इकोनॉमिक्स इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति की स्थिति किन किन परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकती है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए, सही ऑप्शंस को चुनिए, और उसके अंदर आपको तीन चार टॉपिक्स तीन चार स्टेटमेंट्स दे देगा। अब आपको अगर पता है कि मुद्रास्फीति क्या है और कैसे किन किन परिस्थितियों में उत्पन्न होती है तब तो आप उसका आंसर कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता है, अगर आपके मुद्रास्फीति को लेकर कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे और गलत होगा वो आंसर, डेफिनेटली गलत। अच्छा, यूपीएससी का एक सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है वो ये भी आता है इकोनॉमिक्स का कि जब आप उसके क्वेश्चंस को अटेंड करने बैठते हैं तो आपको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, आपसे कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है किसी टॉपिक को लेकर, आपने नहीं पढ़ा है, तो एक सीधा सा उसका जो है निवारण ये है कि आप उस टॉपिक को छोड़ दीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेंड ही ना कीजिए जिससे कि आप नेगेटिव मार्किंग की तरफ ना जाए। जैसे मैम की मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के सिद्धांत और भारतीय अर्थव्यवस्था इनसे भी क्या मतलब प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं? बिल्कुल पूछे जाते हैं, क्यों नहीं पूछे जाते, बिल्कुल पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाएंगे, लेकिन आप सोच रहे हैं कि आपसे ये पूछा जाएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं या जो है आप इसके अर्थशास्त्र के जनक कौन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये बिल्कुल नहीं आने वाले, या आजकल एलडीसी के पेपर में भी नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ये चीजें सिर्फ याद रखनी है स्टेटमेंट फॉर्म में कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों या जो बिलो पॉइंट्स है उनको कंसीडर कीजिए या इन स्टेटमेंट्स को कंसीडर कीजिए, उस बेसिस पे आपको स्टेटमेंट जो है उस बेसिस पे डिसाइड करना है कि ऊपर दिया गया माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पॉइंट है वो किस हद तक सही है, कितने स्टेटमेंट्स उसमें सही है। हाँ जी, और कोई डाउट है? या एक क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है कि मैम यूपीएससी के लिए ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी से बुक से स्टडी करें? देखिए, मैं रेकमेंड करूंगी हर सब्जेक्ट के लिए जो है ओल्ड एनसीईआरटी सबसे बेस्ट होती है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी इसमें कुछ आयुषी आपका कनेक्शन थोड़ा सा कट रहा है, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर बोथ द एनसीईआरटीज एंड इफ यू हैव द शॉर्ट टाइम देन यू शुड गो फॉर ओल्ड एनसीईआरटी। हेलो मैडम। हाँ जी बताइए। जी मैडम, मेरी कि आपने 6th से 12th एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है, जो भी आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स 11th 12th के और वो कर लिए हैं, तो अब आप ग्रेजुएशन लेवल पे भी स्टडी करिए और उससे बेटर है कि अगर आप क्लियर कर चुके हैं तो आप रमेश सिंह जी पर जाइए, पॉलिटी में जैसे लक्ष्मीकांत ग्रंथ है वो इकोनॉमिक पॉलिटिकल साइंस का, तो आप बिल्कुल इन जो रेकमेंडेड जो ऑथराइज्ड जो बुक्स हैं जो ऑथर्स की जो बुक्स हैं उन पर जाइए, यू विल गेट इट मोर। जी मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? एक क्वेश्चन जो है आया है देवकरण जी का, मैम इकोनॉमिक्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज तरह के टॉपिक जिसमें थोड़ा बहुत मैथ इन्वॉल्व या फिर डायग्राम का एनालिसिस इसे समझने में प्रॉब्लम होती है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स, अगर आप एक टॉपिक उठाएंगे एक साथ में सब कुछ करना चाहेंगे कुछ नहीं होगा, एक टॉपिक उठाइए उसको इस तरीके से कवर कीजिए कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखिए, उससे रिलेटेड इकोनॉमिक्स अगर आप थ्योरी की पोर्शन की तरफ जाते हैं, थ्योरी से प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं या डेप्थ में जाते हैं तो आपको डायग्राम्स वगैरह, तो इवन डायग्राम्स तो बहुत अच्छा सोर्स है कि आप इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझ सकें,
तो मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट वे टू गो थ्रू द इकोनॉमिक्स. अच्छे से एक एक टॉपिक को क्लियर कीजिए, एक एक टॉपिक को समझिए, तो आपके कंसेप्ट जरूर क्लियर हो जाएंगे. ओके, इन सब्जेक्ट्स को कर लें तो इनफ रहेगा. तो देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है निकेता सिंह जो है, निकेत सिंह जी, वट एवर जो भी प्रोनाउंसिएशन है, सॉरी फॉर दैट. बट आपने जो क्वेश्चन पुटअप किया है कि किन सब्जेक्ट्स को कवर किया जाए, तो मैं आपको बता दूं कि अभी एज ऑफ टाइम मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप उन सब्जेक्ट्स को पहले कवर कीजिए जिसकी आप प्रिपरेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, जो आपके प्रिपेयर्ड हैं, उन सब्जेक्ट्स को उठाइए, उनकी प्रिपरेशन कीजिए, और फिर उन सब्जेक्ट्स को उठाइए जिनकी आपकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो रखी है. अभी उन सब्जेक्ट्स को बिल्कुल टच ना कीजिए. अगर आप 2020 के एग्जाम को दे रहे हैं तो उन सब्जेक्ट्स को टच ना कीजिएगा जिसके अंदर आपकी तैयारी कम है. तो उन सब्जेक्ट्स को बिल्कुल भी टच ना कीजिए, उन सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए जिसमें आपकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग है. लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसा सब्जेक्ट उठा लें जिसमें से क्वेश्चन पुटअप ही नहीं होते. जैसे इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है, इन चार पोर्शन को तो कवर करना बहुत जरूरी है, और पांचवा आपका ज्योग्राफी हो गया. इन पांच पोर्शन को तो कवर कीजिए ही कीजिए क्योंकि इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं. और जुडिशियल स्टेटमेंट या जुडिशियल अनाउंसमेंट जो रिसेंट हुए हैं उनको देखते हुए बहुत जरूरी है इन पोर्शन को कवर करना. देखिए नेक्स्ट बताइए, अगर आपका कोई डाउट है तो बताइए आप मुझे. एनी डाउट पीयूष जी? जी मुझे लगता है कि डाउट्स अगर किसी के नहीं है तो वी शुड एंड अप द सेशन. और अगर किसी के डाउट्स हैं तो प्लीज ये बताइए कि बिकॉज मैम का भी बहुत प्रीशियस टाइम हम लोगों ने लिया हुआ है. अगर आप लोगों के डाउट्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो हमने चूज किए हुए हैं इकोनॉमिक्स और आर्ट एंड कल्चर, इनसे रिलेटेड अगर आपके डाउट्स सभी एड्रेस हो गए हों तो आप लोग प्लीज जो है सेशन को बताइए, नहीं तो एंड करते हैं क्योंकि ज्योग्राफी से रिलेटेड एक डाउट आ रहा है. सो मैं बताना चाहूंगा ज्योग्राफी के लिए नवलनाथ जी का एक सेशन हम लोगों ने रखा हुआ है. इसके बाद जो है मतलब हमने पर्टिकुलर ये डिसाइड किया हुआ है कि पर्टिकुलर डे में पर्टिकुलर टॉपिक्स आप लोगों की क्लियर किया जाए कि कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है. सो हमारी पूरे जो इनिशिएटिव है वो यही है कि जो फ्रिंज एरियाज से आप लोग आ रहे हैं सो वी शुड गिव यू अ प्लेटफॉर्म टू इंटरेक्ट विद द टॉपर्स, टू इंटरेक्ट विद गुड फैकल्टीज. तो हमारा पूरा पूरा प्रयास यही है कि आप लोग जो है सिविल सर्विसेज में आए, और वी आर नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग. एंड हमारा ये एक सोशल इनिशिएटिव है, जितने भी सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स हैं या फिर जो रह चुके हैं, इंटरव्यू फेस किए हुए, इंटरव्यू दिए हुए या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो या फिर खुद तैयारी कर रहे हैं, सो अल्टीमेटली आर गोल इज टू हेल्प यू आउट. अगर किसी के डाउट्स हैं तो प्लीज यू कैन आस्क, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, आप चैटबॉक्स में पूछ सकते हैं, और नहीं है सो वी आर गोइंग टू एंड अप द सेशन देन. किसी के भी डाउट्स हों तो प्लीज बता दें, और नहीं है तो नो नो भी लिख दें चैट बॉक्स में ताकि पता लग जाए कि इतने लोगों के डाउट्स नहीं है. तो हम सेशन को फिर एंड करने की ओर बढ़ेंगे. पीयूष जी एक क्वेश्चन, एक क्वेरी आई है मेरे पास में देव करण जी की कि लेक्चर्स किसी यूट्यूब चैनल पर. तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, आर्ट एंड कल्चर, देव जी आर्ट एंड कल्चर का जो सेशन है ऑलरेडी हम आप आईएएस पर स्टार्ट कर चुके हैं. उसके जो वीडियोज हैं आपको एक दो दिन में अवेलेबल हो जाएंगे और वन बाय वन वीडियोज अवेलेबल होंगे. तो इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको सारे आंसर, सारे जितने भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा. इसके अलावा और भी जो चैनल्स हैं जिन पर मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, काफी सारे चैनल्स हैं. लेकिन आप आईएएस पर जो भी स्टफ आपको अवेलेबल हो रहा है आप उसे फॉलो कीजिए. आर्ट एंड कल्चर की सीरीज ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की सीरीज में जल्दी ही आप आईएएस के चैनल पर लेकर आ रही हूँ तो उसे आप फॉलो कीजिए. इकोनॉमिक्स और आर्ट एंड कल्चर दोनों ही सीरीज में इस तरीके से कवर करूंगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. सो मुझे लगता है कि सभी के डाउट्स, किसी के डाउट्स अगर रह गए हो तो प्लीज पूछ लीजिए. जो नए बच्चे जुड़े हैं वो भी पूछ सकते हैं, जो पहले से सुन रहे हैं वो भी पूछ सकते हैं. तो अगर सभी के डाउट्स क्लियर हो गए हो सो हम लोग सेशन को एंड करने की ओर बढ़ते हैं. सो आई थिंक सभी के डाउट्स लगभग लगभग आपके सेशन में आईसी जी एड्रेस हो गए होंगे. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू दैट आपने अपना प्रीशियस समय जो है निकाला. सो जाते जाते मैं हमेशा की तरह एक दो लाइनें कहना चाहूंगा. रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा. रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा. थकार करने बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा. मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा. तो आप लोगों को जो है बहुत उम्दा लाइंस है, रुकना नहीं है, चलते रहना है, चलते चलते राह मिलेगी आप लोगों को. और हमारा पूरा प्रयास है कि आप लोगों को जो है सही राह हम लोग दे पाए. आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं इसके लिए हम लोग बहुत बहुत थैंकफुल हैं. और हम यही आशा करते हैं कि भविष्य में आप लोगों का साथ यूं ही मिलता रहेगा और इन लोगों को जो बेहतर गाइडेंस हम लोग दे पाएंगे. सो थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल द एस्पायरेंट्स जो हमसे जुड़े. थैंक यू सो मच पीयूष जी. और अब सेशन को एंड करते हैं यही. थैंक यू मैम. सो थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग. थैंक यू मैम फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम. थैंक यू सो मच एवरीवन.